की सूचना, फिर तीन थानों की पुलिस की नाकाबंदी, निम्बाड़े से निकले ट्रक को रोका, तलाशी में मिली मादक पदार्थों की बड़ी खेप, तस्करों ने कांच की आड़ का ऐसे लिया सहारा। नमस्कार, मैं हूँ निर्मला वशनालिया और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। मैं पहले की तरफ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अभी तक MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बड़ी सादड़ी की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, बड़ी सादड़ी उपखंड के निकुंभ थाना अंतर्गत मालनखेड़ी में नाकाबंदी के दौरान निम्बाड़ा की तरफ से आ रहे ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तो मादक पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन द्वारा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त तथा परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला पुलिस की विशेष टीम इन दिनों से सक्रिय भूमिका में है। वहीं टीम को मुखबिर की सूचना मिली कि एक ट्रक में मादक पदार्थों की बड़ी खेप का परिवहन किया जा रहा है जो निम्बाड़ा से रवाना होकर उदयपुर या अजमेर की तरफ जा सकती है। वहीं सूचना पुख्ता होने पर पुलिस थाना निकुंभ मंगलवार तथा पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ द्वारा नाकाबंदी की गई। जी हाँ, निकुंभ पुलिस द्वारा निकुंभ चौराहे के समीप मालनखेड़ी में नाकाबंदी की गई। मुखबिर की सूचना अनुसार निम्बाड़ा की तरफ से आता एक ट्रक क्रमांक RJ14JB8229 नजर आया। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया तो चालक तथा खलासी ने ट्रक सहित मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेरा डालकर पकड़ लिया। वहीं पूछताछ में चालक ने अपना नाम मोहम्मद आदिल, पिता कालू का उर्फ शकील अहमद, निवासी मंडिया रोड शिवनगर पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली व खल्लासी ने अपना नाम दीपेश, पिता जोहरीलाल, जाति साहूकार, निवासी मंडिया रोड विकास नगर पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली होना बताया। वहीं पुलिस टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में चेंबर बनाकर दो पार्ट बनाए गए थे जो एक बार की देखने पर नजर नहीं आए। ऊपर के पार्ट में कांच भरे हुए थे तथा नीचे गुप्त रूप से बनाए गए चेंबर में 48 कट्टा में डोड़ा चूरा भरा हुआ था, जिनमें से एक कट्टे में अफीम भी भरी हुई पाई गई। वहीं पुलिस टीम ने चालक तथा खल्लासी को गिरफ्तार कर लिया। अफीम व डोड़ा चूरा का मौके पर वजन किया गया तो 890 किलोग्राम डोड़ा चूरा तथा 8 किलो 400 ग्राम अफीम पाई गई। वहीं पुलिस ने अफीम, डोड़ा चूरा एक ट्रक जब्त कर दोनों अभियुक्तों को NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। अग्रिम अनुसंधान कार्यवाही निम्बाड़ा सदर थाना अधिकारी फुलचंद टेलर के जिम्मे सौंपी गई। वहीं उक्त कार्यवाही में भूपेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल तथा कांस्टेबल दिनेश कुमार का विशेष योगदान रहा। मुखबिर से प्राप्त पुख्ता सूचना पर जिला पुलिस विशेष टीम द्वारा की गई इस कार्यवाही में निकुंभ थाना अधिकारी यशवंत सोलंकी, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल भजन लाल, वहीं दीपक कुमार एवं चंद्रकरण सिंह, मिठूलाल जितेंद्र, राजदीप, दिनेश कुमार थान सिंह, संजय, शांतिलाल, प्रमोद, जगदीश, राकेश का सक्रिय सहयोग रहा। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।